और वो गेस्ट कौन है वो हम आपको दिखा दें। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। कैसे भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। साकिब मुबीन भाई हैं। हाय 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 हाय, वाह भाई, दही बड़े ये देखें भाई, मिक्स कर रहे हैं दही के अंदर फुल्कियों को। ये देखें भाई, पहले स्टॉल के ऊपर हम जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और जलेबियाँ बन रही हैं और पब्लिक का रश देखें आप। ऐसा लग रहा है रमज़ान में कराची में ये माहौल होता है कि ऐसा लगता है कि फ्री में मिल रहा है सब कुछ। और फ्रेस्को निम्को के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो फ्राई आइटम होती है, रोल, समोसे, पकौड़े, इसके ऊपर रश इतना है कि मेरे ख्याल से हम तो अगर इसमें लाइन में लगे ना तो अब इफ्तार के टाइम तक तो हमें शायद ना मिले। और ये चेक करें भाई, यहाँ पे जो है ना तरबूज का शरबत भी जो है वो मिल रहा है। ओए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। भाई रमज़ान का महीना आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की सीरीज़ जो है वो वापस आ गई है, आज पहला रोज़ा है यहाँ पे। हमने सोचा आपको कराची के अंदर जो रमज़ान की इफ्तार की रौनकें होती हैं वो आपको दिखा दें, लेकिन कराची में इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं और वो गेस्ट कौन है वो हम आपको दिखा दें। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। कैसे भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। साकिब मुबीन भाई हैं और पीछे रिक्शा आ गया। भाई यहाँ पे जो है ना खड़े रहने की जगह नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर हम लोग मौजूद हैं। साकिब भाई का बड़ा शॉर्ट टूर है यहाँ पे, आज रात वापस जा रहे हैं भाई, वापसी जा रहे हैं। तो ये सीन है और हम लोग भी जो है वो एक दो दिन यहाँ पे हैं, इसके बाद इंटरनेशनल रमज़ान सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। तो कैसे हैं साकिब भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? फूड बहुत कमाल है। कमाल है ना, मानते कि नहीं मानते कराची का फूड? भाई मैं पहले भी मानता था, जबरदस्त। और खाने के बाद तो मैं यकीन कर गया, जबरदस्त जबरदस्त। तो बंस रोड का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस आज? मैं यहाँ पे इफ्तारी देखना चाह रहा था यहाँ पे, कैसे है। मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत कमाल। और रश देख के क्या लग रहा है आपको? मुझे करंट बढ़ा है, करंट बढ़ा है भाई। और आज हालत ऐसी हो रही है यकीन करें, क्योंकि पहला रोज़ा है, ज़ाहिर आपको पता है गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और टाइट, मतलब कुछ ठंडा पीने की जो है ना आज तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि स्ट्रीट फूड पे यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, लोग क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं यहाँ पे, और सीन आपको दिखाते हैं। चलें भाई, ये देखें भाई, पहले स्टॉल के ऊपर हम जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और जलेबियाँ बन रही हैं और किस तरीके से ये बना रहे हैं भाई आप चेक करें, ज़बरदस्त। और ये जलेबी जो है वो तैयार होने के बाद ये रही भाई, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे आप लोगों का रश देखें, सही है, यहाँ पे चलने की जगह नहीं है, बाइक के अंदर भी लोग अभी जो है ना यहाँ पे फंस रहे हैं, समझ लो। गाड़ी तो दूर की बात है, हम तो गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पार्क करके आए, ये देखें। और ये भाई जो है वो गुलाब जामुन बेचते हैं यहाँ पे, बड़ा जो है वो मशहूर है इनका गुलाब जामुन का सेटअप, ऐसे उछाल के जो है ना ये लोगों को ज़रा ट्राई कराते हैं, ठीक है। और ये देखें भाई, ये क्या है भाई? अच्छा अच्छा, मीठी टिक्किया है भाई। अच्छा ये देखें भाई, ये जो है वो डिफरेंट जो है वो फ्राई आइटम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर जो है वो कीमे के समोसे हैं, चिकन के समोसे हैं। और ये रोल किस चीज़ के मेरे भाई? ये रोल चिकन वेजिटेबल है, चिकन वेजिटेबल रोल है मेरा भाई। क्या कितने रुपए का है भाई ये? 25-30 रुपए का एक, वाह भाई। और ये वॉन्टन नज़र आ रहे हैं और पब्लिक का रश देखें आप, ऐसा लग रहा है रमज़ान में कराची में ये माहौल होता है कि ऐसा लगता है कि फ्री में मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं ज़रा, ये देखें, ये भाई जो है वो आलू के समोसे फ्राई कर रहे हैं इस वक्त, देखें गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है भाई, आसान नहीं है ये काम। ये देखें यहाँ पे रोल हैं, यहाँ पे समोसे, और ये देखें भाई ये दाल वाली कचौरियाँ तैयार हो रही हैं, ये इसकी तरकारी है, और ये यहाँ पे भाई फ्राई कर रहे हैं। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मज़े में, पहले रोज़े की फिर तैयारी है, हाँ रश लगा हुआ है टाइट बिल्कुल, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। भाई जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो हमारा सब्सिडाइज फ्रूट का स्टॉल भी तैयार हो जाता है और वो भी हम लोगों के लिए ओपन कर देते हैं। तो आज 5 बजे हमने पब्लिक के लिए वो ओपन किया था, उसके भी कुछ मनाजिर आपको पीछे दिखाते हैं। उसमें हम 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है लोगों को फ्रूट्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स बहुत महंगे हो जाते हैं, एक आम आदमी अपने घर पे खरीद के नहीं लेके जा सकता। तो वो सिलसिले से अब हम फारिग होकर यहाँ पे आएँ आप लोगों के लिए फूड सीरीज़ बनाने के लिए, और इतनी टाइट मतलब शिद्दत वाली प्यास लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और सामने कुछ ठंडा नज़र आ रहा है, आपको दिखा देंगे क्या बन रहा है। ये देखें भाई, ये ठंडी आइटम जो है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ये दूध के अंदर बनाते हैं, दूध पाकोला भी बनाते हैं जो कि हम आज इंशाल्लाह पियेंगे, और डिफरेंट और भी फ्लेवर्स हैं इनके पास, वो भी ये जो है वो दूध के अंदर बना रहे हैं। कितने रुपए का एक ग्लास है? हाँ 50 रुपीज़ का ग्लास है, वाह भाई वाह। भाई गर्मी तो वैसे बहुत आ गई लेकिन अभी भी फ़िश बिक रही है वैसे भाई, क्या कहते हैं आप? हमारे अब्दुल बासित भाई भी साथ हैं, हमारे पास इतने सारे मैसेजेज आते हैं कि अब्दुल बासित भाई को देखना है भाई, वीडियोज़ बनाएं आप। तो हमारे अब्दुल बासित भाई भी साथ हैं रमज़ान की सीरीज़ में हमारे। और ये देखें भाई, डिफरेंट तरह की फ़िश है यहाँ पे, मैरिनेट हुई भी रखी हुई है, फिंगर फिश है भाई। और ये भाई फ्राई हुई भी पड़ी हुई है यहाँ पे, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, ओए होए, गर्मा गर्म फिश, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। ये फिंगर फिश क्या क्या हिसाब है?
300 रुपये पाव है इस वक्त। ये देखें भाई, यहाँ पे जो है वो खजूर भी जो है वो बिक रही है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? ये कहाँ की खजूर है? ये शक्कर पाकिस्तानी की। अच्छा अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव है, ज़बरदस्त। ये कौन सी है? ये ईरानी खजूर है। ईरानी खजूर है। ये कितने की है? 120 रुपये पाव है। और भाई ये दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दिल बहार दही बड़े, सही भाई? ये दही बड़े आ गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोगों का रश चेक करें, कितना रश है ये देखें। ये पापड़ी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और ये थैली के अंदर इन्होंने पैक करके रखा हुआ है, जैसे जैसे कस्टमर आते जा रहे हैं देते जा रहे हैं। ये देखें भाई, ये हैं दही बड़े पैक हुए हुए रखे हुए हैं, और ये इसके साथ पापड़ी है। आ हाँ, क्या बात है। कितने का है दोस्त ये एक? ये कितने का एक? 260 रुपये का है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और ये इसके साथ इसका मसाला है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है और चीज़ें बहुत हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखें, हमने अब्दुल बासित भाई को पकड़ लिया, ये देख रहे हैं गोल गप्पे किस तरह बन रहे हैं। जी अब्दुल बासित भाई, दिल कर रहा है आपका ये खाने का आज? नहीं नहीं, अगर कर रहा है तो बताएं, हम खाते हैं। ये देखें भाई, ये भाई पैक कर रहे हैं। कैसे हैं भाई जान? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? ठीक है, गोल गप्पे बना रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। खट्टे तो नहीं होंगे ना दादा? खट्टे चाहिए होते हैं, असल में हमारे भाई को खट्टा पसंद है बहुत। और इस वक्त आप जो है वो कराची हलीम पे रश चेक करें, लोगों का कितना है, सही है, पता नहीं कितनी देर में इनकी बारी आएगी। ये देखें भाई, हलीम भी पैक हो रही है, जर्दा भी पैक हो रहा है, बिरयानी भी पैक हो रही है। ओए होए होए, बात ही अलग है, आप चेक करें। और यहाँ देखें लोगों का रश। और ये देखें भाई, यहाँ पे सज्जी बन रही है, ठीक है। ये देखें चिकन सज्जी बन रही है, और ये भाई बना रहे हैं। कैसे हैं भाई, खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। ये देखें भाई, चेक करें। ओए होए 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 होए, क्या बात है। और ये देखें, यहाँ पे इसके ऊपर काम हो रहा है असल, पूरा माल खत्म होगा कि लें और लगा दिया। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लोग अफ्तारी में खाते हैं? हाँ, तो अभी सारा ले गए ना, अभी खत्म हो गए सारे माल। अच्छा, नया लगा दिया मैंने, अभी ताज़ा माल लग गया। सही 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 सही, बेहतरीन, ज़बरदस्त भाई। दो चार बच्चे में ये कितने की होती है एक? 1100 रुपये। 1100 रुपये की एक पूरी, ज़बरदस्त। और यहाँ फ्रेस्को के ऊपर तो एंड ही हो गया भाई, मतलब आप देखें यहाँ तो अंदर जाने की जगह नहीं है। वाह भाई, फ्रेस्को का मशहूर आपको बताए, दही बड़े हैं, अरबी पराठा भी होता है। और यहाँ पे आप देखें रसगुल्ला दही बड़े मिल रहे हैं। ये भाई रसगुल्ला दही बड़े हैं 400 रुपये किलो, ठीक है। और रश देख के आपको अंदाज़ा होगा कि यार लगता है कोई लेवल की चीज़ है। ये देखें भाई लोगों का रश, लोग लेके जा रहे हैं दही बड़े। कैसे हैं भाई? ठीक है। और ये भाई मिल रहा है अरबी पराठा, सही है। जो हमने अब्दुल मालिक भाई जो आए थे, अब्दुल मालिक फरीद भाई, उनके साथ हमने वीडियो बनाई दी है, देखें। मतलब ये भी लोग लेते हैं भाई इफ्तारी के लिए ना, रश लगा हुआ है। और समोसे आ गए भाई, वाह भाई, दही बड़े ये देखें भाई, मिक्स कर रहे हैं दही के अंदर फुल्कियों को। वाह भाई वाह, क्या हिसाब है भाई? 440 रुपये किलो। भाई जान, असल जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो चीज़ सामने आ गई है। ये आ गया आपके भाई का फेवरेट ड्रिंक पाकोला, सही है। और ये दूध के साथ बनाने के बाद ये मंजर पेश कर रहा है भाई। ओए होए होए, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और यहाँ पे आप चेक करें भाई, यहाँ पे जो है ना खट्टे आलू भी मिल रहे हैं भाई के पास, और ये कड़ी छोले भी हैं यहाँ पर काले चने के साथ, और ये जो है वो चना चाट की भी तैयारी है फुल यहाँ पर, सही ना। इस तरह के लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए हुए होते हैं रमज़ान के महीने के अंदर, देखें हर कोई जो है ना मेहनत कर रहा होता है, छोटे छोटे स्टॉल्स भी लोगों ने लगाए होते हैं और अपना रिस्क हलाल कमा रहे होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक देखें सबको कैसे नवाज रहा होता है। और ये देखें भाई, यहाँ पे सैलेड का भी काउंटर है और लोग सैलेड भी ख़रीद के जा रहे हैं इसमें। अच्छा, फ्रूट सैलेड भी है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, कीवी नज़र आ रही, कीवी है ना भाई? वाह भाई वाह, मतलब ये काम की चीज़ नज़र आई है यार, मतलब बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये 100 का है बाउल छोटा वाला? 200 का है, ज़बरदस्त बेहतरीन। अच्छा, बड़ा वाला 400 का है। ये देखें भाई, ये हमने छोटा बाउल जो है वो फ्रूट सैलेड का बनवा दिया है। वाह भाई वाह भाई, ये कुछ चीज़ें हमने जो है ना इफ्तार के लिए ले ली हैं। हाँ भाई, कितने पैसे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो यार, ले लो यार प्लीज़ यार, ऐसा नहीं करो भाई, पैसे ले लें यार। पैसे नहीं है हमारी तरफ से, आपके लिए मोहब्बत है। क्या बात है, देखें ये लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सुना दो भाई, अजान हो गई है। थैंक यू भाई, अजान हो गई है भाई, अभी पाकोला मिल्क तैयार नहीं हुआ है, पहले रोज़ा खोलते हैं, इसके बाद रोज़ा खोलने के बाद कुछ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं तूने हमें नसीब किया। पानी नहीं है ना मेरे पास, पानी पीते
भजन अब बैठ गए हैं, जगह मिल गई है हमको और बिल्कुल देखें रोज़ा खुल गया ना, बिल्कुल सुकून हो गया, सन्नाटा हो गया। हाय 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 क्रेविंग असल पाकोला मिल्क की थी आज सीरियसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें ये रोल समोसे वगैरह सब कुछ आ गया भाई। ठीक है हम बस लगे हुए अपने काम में और हमें पता भी चला अल्लाह पाक ने वाकई बिल्कुल ऐसा ही हो। ये है भाई हमारी फ्रूट सैलेड, ये खाते हैं, इसकी बड़ी जो है ना क्रेविंग हो रही है। ये भाई फ्रूट सैलेड का पहला निवाला सही है और ये आ गया बिस्मिल्लाह। ये देखें अरे तो सही है खाली है यार, मज़ा नहीं आएगा। गर्मी के अंदर इसी तरह की चीज़ें जो है ना ज़्यादा मज़ा देती हैं। चाहिए अब हम ज़रा कुछ तीखा खाएंगे। ये रोल है हमारे पास, निकालने बाकी छोड़ कर निकालने छोड़ के निकालने वाला है शायद। अब हमारे पास हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें आ गई हैं, तीखा भी आ गया, खट्टे आलू भी आ गए, कुछ चीज़ें साकिब भाई ने पकड़ ली, कुछ चीज़ें हमने पकड़ ली और सब कुछ आ गया हमारे पास, वेराइटी आ गई। आज रमज़ान का पहला रोज़ा था, मैंने एक दो और दोस्तों को बुलाया कि साथ चलो, लेकिन उन्होंने बुलाया घर वालों के साथ खोलेंगे, लेकिन आपका भाई आज स्ट्रीट फूड आपको दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो दिन बाद आपके भाई का ट्रैवल है। सही है तो मैंने सोचा कि एक आधी एपिसोड तो यहाँ की आपको दिखाना ज़रूरी है, बनती है। ये हमारे बासित भाई दही बड़े निपटाते हुए, फ्रेस्को के दही बड़े, लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ये देख के यार, यकीन करो लोग बोलते हैं मुसाफा भाई बहुत मिस करते हैं हम ये सारी चीज़ें। कैसा है सीन, मज़ा आ गया भाई? असल में जो हमने पाकोला मिल्क वहाँ से बनवाया ना उसमें पता नहीं क्यों मज़ा नहीं था, उसने जो बनाया पाकोला मिल्क मज़ा नहीं आया, तो यहाँ से हम जो है ना पहले भी पी चुके हैं तो यहाँ का बड़ा बेहतरीन है, तो अब हम यहाँ से बनवाने के लिए आ गए और हमने साकिब भाई को भी बोला होल्ड करें आप और हम जो है वो दूसरा बनवा के लेके आते हैं। तो ये बन रहा है भाई सीन हमारा, सही है, और ये अंकल जो बना रहे हैं ना ये लेवल की चीज़ बना रहे हैं। अब हम ये लेके जाते हैं क्योंकि क्रेविंग उससे पूरी हुई नहीं। ये भाई देखें अब्दुल बासित भाई की ड्यूटी हमने लगा दी है, अब असली पाकोला मिल्क का की बारी है। ठीक है और ये है असली पाकोला मिल्क, मतलब पहले वाले में मज़ा नहीं आया था, ये लो। हाय 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 अब मिला है सुकून भाई, पाकोला मिल्क वाला मज़ा अब मिला है। क्या बात है अब सुकून मिला, कहीं ऐसा ना हो आप गलत टेस्ट लेके चले जाए ना पाकोला मिल्क का कराची से। अब मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे इसका रिव्यू। ये पाकोला मिल्क आ गया हमारे सामने, पहले हमने पी लिया गलत वाला, हाँ पहले वाला मज़ेदार नहीं था, मज़ेदार नहीं था, वो मीठा नहीं था ज़्यादा, मुझे लगा था शायद वो ओरिजिनल है, लेकिन ये ओरिजिनल है बगैर वो कॉल मुस्तफा भाई के, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाँ ये है ना अब मज़ा आया ना, पहले वाले में मीठा थोड़ा कम था, हाँ इसमें मीठा मुनासिब है, बिल्कुल ऐसे ही, और हल्का वो फ्लेवर जो आइसक्रीम का फ्लेवर, जी आइसक्रीम सोडा का फ्लेवर, जी बिल्कुल बिल्कुल आइसक्रीम सोडा। आज रमज़ान के अंदर जब मैंने यहाँ पे पाकोला मिल्क पिया ना तो हमारे लंदन के अंदर जो है वो एक भाई थे, उन्होंने बोला कि यार मुस्तफा भाई अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं टिकट करा के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँ। फिर उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर्स के अंदर मालूम किया और एक स्टोर के अंदर उनको पाकोला मिल्क ड्रिंक और उन्होंने घर पे पाकोला मिल्क बना के पिया। तो भाई ये होता है क्रेविंग का सीन, मतलब जो बाहर लोग रहते हैं ना वो समटाइम्स परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब दिल करने लग गया खाने का। तो भाई ये थी पहली इफ्तारी जो मैंने आपको दिखाई, कॉमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों ने सहरी भी देखनी है कराची के अंदर तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे और होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुस्तफानी26 के नाम से फॉलो करें, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और बहुत ही प्यारी जगह के ऊपर आपको भी रमज़ान की रौनक हम दिखाने जा रहे हैं। दो दिन के बाद सफ़र कर रहे हैं इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आएगा यकीन करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब इबादत करें, आपके भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।